हेलो एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंडलिनी अवेकनिंग एंड बॉडी पेन, इमोशनल पेन के बारे में। अब ये तो सभी को, आप लोगों को मालूम है कि जब हमारी अवेकनिंग होती है तो उसके बाद हमारा इमोशनल बॉडी जो है एक्टिव होने लगता है। हमारे बॉडी के अलग अलग सेंटर्स में जो भी इमोशंस फंसे हुए हैं उन जगहों पे बंदे इंसान को जो है दर्द होना शुरू हो जाता है। स्पेशली लोगों को अपने जोड़ों में, पैरों में, कंधों में काफ़ी दर्द होता है। शुरू शुरू में अपनी बैक में, स्पाइन में बहुत पेन होता है। तो इसका जो असली कारण मैं समझ पाई हूँ, वो मुझे तो यही लगा है कि हमारा पूरा इमोशनल बॉडी जो है वो एक्टिव हो रहा है और वो रिलीजिंग को मार रहा है। इसके अलावा आपने कई बार कई लोगों को देखा होगा फॉरेनर्स के कुछ वीडियोस में देखना या इंडिया में भी देखना कुंडलिनी के, जिसमें कि लोग बहुत झटपटाने लग जाते हैं। आप उनको देखना कि बहुत ज़्यादा झटपटा रहे हैं। सी, रोना इज़ डिफरेंट, कि रोना भी आता है बहुत ज़्यादा, 7 घंटे, 8-8 घंटे, और वो सारा पर्जिंग हो रहा होता है, शुद्धिकरण हो रहा होता है 2-2 घंटे, 1.5-1.5 घंटे किसी किसी को, किसी को ज़्यादा नहीं। इन माई केस, मुझे जब ये हुआ था, अवेकनिंग स्टार्ट हुआ था, तो मुझे 8-8 घंटे, 7-7 घंटे, 3 दिन, और उससे मतलब रोना आता था पहले। और इससे पहले कि वो इतना इमोशनल वो हो रहा है, उससे पहले मेरे बॉडी के बहुत सारे जगह पे पेन होता था, जैसे बैक में इस वाले जगह पे, या क्या बोलते, जोड़ों में, कई जगह पे। लेकिन जब वो चीज़ साफ होती थी या शुद्धिकरण होता था, तब मैं देखती थी कि फेस पर एक अलग सी चमक आने लग गई है और हल्का लग रहा है, हल्का लग रहा है, जैसे कुछ निकल गया अपने अंदर से, हल्का लग रहा है काफ़ी। सो डेफिनेटली पेन तो होता ही है बॉडी के कई जगहों पे, अलग अलग सेंटर्स में, और वो सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि उन उन जगहों पर वो पेन फंसा हुआ है। इसके अलावा, जैसे कि मैंने बताया, कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे झटके भी लगने लगते हैं उनको, बहुत ज़्यादा तड़प रहे होते हैं, और आपने ऐसे वीडियो शायद फॉरेनर्स के या कहीं इंडिया में देखे होंगे, या शायद आपने अपने गांव में देखे होंगे जब किसी ने आपको बताया होगा कि इनके ऊपर देवी देवता या शक्तियाँ आ रही हैं, तो वो उस तरीके से झटपटा रहे होते हैं। उसका भी एक कारण होता है कि वो इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हैं, क्यों इतना झटपटा रहे हैं, या उतना इतनी डिवाइन एनर्जी उनके अंदर जो है एक्टिव हो रही है या ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका बॉडी इस तरीके से क्यों रिएक्ट कर रहा है, क्या कारण है इसका। सीधा सिंपल एक ही कारण है कि जब बॉडी प्योर नहीं है, जब बहुत सी इम्प्योरिटीज़ अंदर हैं, बहुत सी गंदगी अंदर है, बहुत से इमोशनल ट्रॉमाज अंदर है, बहुत ज़्यादा ईगो की लेयर्स लगी हुई है, तो बॉडी इतनी डिवाइन एनर्जी को हैंडल नहीं कर पाता और इसलिए वो इतना झटपटाता है। बट जैसे जैसे अंदर का शुद्धिकरण होता चला जाएगा, वो एनर्जी अपने आप ऊपर उठेगी बिना झटपटाए, और जो भी देना है वो अपने आप देगी उस पर्सन के अंदर से, और वो सोसाइटी को, समाज को प्राप्त होगी। बट जितने भी लोग आपने देखे होंगे कि झटपटा रहे हैं, तड़प रहे हैं, उनको बहुत पीड़ा हो रही है, उसका एक ही कारण है कि बॉडी में अभी भी इम्प्योरिटीज़ बहुत है, अशुद्धियाँ बहुत हैं, इतना प्योर नहीं है वो बॉडी कि इतनी डिवाइन एनर्जी को हैंडल कर सके, ठीक है। बट जैसे जैसे वो सफाई होती चली जाएगी, जैसे जैसे वो ईगो की लेयर्स निकलती जाएंगी, जैसे जैसे इमोशनल ट्रामा साफ होते चले जाएंगे, और एक अच्छा जीवन अगर वो इंसान व्यतीत कर रहा है, डिसिप्लिन नेचर में है, अच्छे से पूरा अच्छा फूड इनटेक करता है, डेली का ऑरा प्रोटेक्शन या पूजा पाठ तरीके से करता है, सात्विक फूड लेता है, तो फिर वो एनर्जी आराम से उठेगी अंदर से, जो भी उस एनर्जी ने जो भी कार्य करवाना है उस इंसान से आराम से कराएगी, और बस। सो ये था कि कुंडलिनी, और जितना मैं इस चीज़ को रिसर्च कर पा रही हूँ या समझ पा रही हूँ, उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। मैंने कई बार अपने उत्तराखंड में, गांव में, कई जगह पे ऐसा देखा है कि जब किसी के ऊपर इस तरीके का कुछ होने लग जाता है, तो लोग बोलते हैं कि इनके ऊपर शक्ति आ गई, इनके ऊपर देवी आ गई। तो हमेशा मेरे माइंड में ये चलता था कि अगर देवी और शक्ति आ गई, तो ये इतना तड़प क्यों रहे हैं, ऐसे झटपटा क्यों रहे हैं, क्योंकि बॉडी में अभी भी बहुत सी अशुद्धियाँ हैं, और इतनी प्योर डिवाइन एनर्जी को उठने की तो कोशिश कर रही है, इतनी प्योर डिवाइन कुंडलिनी शक्ति, लेकिन वो बॉडी अभी इस लायक नहीं है, इसलिए वो बॉडी झटपटा रहा है बहुत बुरी तरीके से। सो ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।